नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले पीरियड में वचन परिवर्तन के रूप देखे थे, एक वचन और बहुवचन। तो उसका वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है यह हमने चर्चा की थी और लिखा था। अब हम लिखेंगे लिंग परिवर्तन। लिंग यानी के जो जाति दर्शाता है, जाति बताता है, ऐसे शब्द को लिंग कहते हैं। जैसे कि पुरुष जाति और स्त्री जाति, पुरुष जाति और स्त्री जाति का भेद बताते हैं, उसे लिंग कहते हैं। जिसमें लिंग, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी के जो शब्द पुरुष जाति को दर्शाता हो, जो शब्द पुरुष जाति को दर्शाता हो, ऐसे शब्द को पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग यानी कि जो शब्द स्त्री जाति को सूचित करता हो, जो शब्द स्त्री जाति को सूचित करता हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का वह पुल्लिंग शब्द को सूचित करता है और लड़की यानी के स्त्री जाति को सूचित करते हैं। जैसे के हाथी तो पुरुष जाति को दर्शाते हैं और हाथीनी तो स्त्री जाति को दर्शाते हैं। इसी तरह से कई है शब्द आते हैं जो पुल्लिंग, राजा यानी कि पुरुष जाति, रानी तो स्त्री जाति, शिक्षक तो पुरुष जाति और शिक्षिका तो स्त्री जाति, जैसे कि अध्यापक अध्यापिका ऐसे। अब हमें लिखना है पुल्लिंग। तो जो शब्द पुरुष जाति को सूचित करता हो, उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का
राजा। ऊंट शेर बंदर। यह सब पुरुष जाति को दर्शाते हैं, यह सभी शब्द पुरुष जाति को दर्शाते हैं, इसीलिए उसे पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जिसमें सेठ यह भी पुल्लिंग शब्द, ग्वाला। तो यह सब पुल्लिंग शब्द है, यह सब आपको लिखना है। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी के जो शब्द स्त्री जाति को सूचित करता है, स्त्री जाति को सूचित करता है ऐसे शब्द को स्त्रीलिंग कहते है। जो शब्द स्त्री जाति को सूचित करता हो ऐसे शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द में जैसे कि लड़की, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द में हमने देखा लड़का, तो उसका स्त्रीलिंग रूप में क्या हो जाएगा, लड़की। जैसे रानी, यह सब स्त्रीलिंग शब्द है। ऊटनी शेरनी, बंदरिया, सेठानी, ग्वालिन। तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम लिंग परिवर्तन करेंगे। लिंग परिवर्तन, जिसमें लड़का यानी के उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, लड़की।
अगर वचन परिवर्तन हो, वचन बदलना हो, तो लड़का यानी कि उनका बहुवचन हो जाएगा लड़के, पर यहाँ पे लिंग परिवर्तन करना है, इसीलिए लड़का का लिंग परिवर्तन क्या होगा? लड़की। राजा तो रानी, सेठ तो सेठानी, सेठ का लिंग परिवर्तन क्या होगा? सेठानी। ग्वाला तो उसका लिंग परिवर्तन ग्वालिन। सुनार तो सुनारिन। शेर तो शेरनी। इसी तरह से बंदर तो बंदरिया। ऐसे कई शब्द है, महाराजा तो महारानी, राजकुमार तो राजकुमारी। ऐसे कुछ शब्द निर्जीव शब्द भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकते हैं, जैसे के पहाड़ तो पहाड़ी। कुछ निर्जीव शब्द भी उसका भी लिंग परिवर्तन व पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में उसे सूचित किया जाता है। पहाड़ तो पहाड़ी। कुछ इसके अलावा भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि पर्वत, समुद्र, यह सब पुल्लिंग शब्द को दर्शाते हैं, पुल्लिंग रूप को दर्शाते हैं। जबकि टिकट गाड़ी, टिकट पुल्लिंग शब्द है, जबकि गाड़ी यह स्त्रीलिंग शब्द है। कोयल, कॉपी, यह सब स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से कुछ ऐसे भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बन सकते हैं। जैसे कि आदमी, औरत, सड़क, खिड़की, इस तरह से हम देख सकते हैं कि पुरुष जाति को जो दर्शाता है शब्द उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति को दर्शाता सूचित करता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसी तरह से हम मुहावरे भी देख सकते हैं कि जिसमें जिस वाक्य का ऐसा ही कुछ विशिष्ट अलग अर्थ होता हो उसे मुहावरा कहते हैं, जैसे के आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी के उसका विशिष्ट अर्थ बताना है, उसके जैसा ही तो उसे बहुत प्यारा। आंखों का तारा यानि बहुत प्यारा। मन होना तो इच्छा होना, उसके जैसे ही जो अर्थ बताता है ऐसे वाक्य को मुहावरा कहते हैं। अब हम अगले पीरियड में संज्ञा सीखेंगे।